बाप रे, 8 बज गए। जल्दी कर कविता, वरना आज बहुत लेट हो जाएगा। अरे कविता बेटा सुनो ना, मम्मी मुझे बहुत लेट हो रहा है। आपको पता है ना आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा है, मेरा पहला एड शूट, और मैं किसी भी कीमत पर वहाँ लेट नहीं पहुँचना चाहती। मुझे वहाँ पर 9 बजे तक पहुँचना है और ऑलरेडी इतना लेट हो गया, पता नहीं रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा। चलो मम्मी मैं निकल। कविता सुनो ना बेटा, प्लीज आज का शूट कल के लिए पोस्टपोन नहीं करवा सकती। पोस्टपोन क्यों बेटा? आज 29 फरवरी है, आज का दिन अच्छा नहीं है। ये दिन 4 सालों में एक बार आता है, इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मम्मी आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? आज का दिन मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? आज मेरा सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, मेरा पहला एड शूट। मैं ना स्टार बन जाऊंगी, आप देखना। माया मासी अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए मम्मी क्या बोल रही है। दीदी तुम भी क्या 29 फरवरी का वहम लेकर बैठी हो? कुछ नहीं होता, ले तू दही शक्कर खा, सब ठीक होगा। ठीक है मुझे बहुत लेट हो गया, अब मैं जाती हूँ। ओके, और हाँ छुटकी कहाँ है? वो अब तक सो रही है। अच्छा ठीक है, उसे सोने दो, जब वो उठेगी उसे पॉपुलर स्टूडियो भेज देना, याद से उसे मुझसे भी ज्यादा क्रेज है शूटिंग का। बाय बेटा, संभल के जाना और जल्दी आना। सुमन जी अब हम ये करेंगे सीन नंबर 13। ओके, इसमें आपका वही लुक रहेगा, सटल और थोड़ी सी एनर्जी रखिएगा। ये शूट शुरू हो गया वो भी मेरे बिना? ये जान पहचान का भी नहीं दिख रहा है। ओके चलो रेडी करें। यस रेडी, चलो आनंद जी रेडी, चलो टेक करते हैं। अब सुनिए, ये शूट इतनी जल्दी शुरू हो गई आज? मैम शूटिंग तो 8 बजे शुरू हो गई है। 8 बजे? 8 बजे कैसे हो सकती है? रोल साउंड। मेरे बिना, मुझे तो 9 बजे बोला गया था ना आने को। कट कट कट। पहले बोल। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? तुझे पता है ना शॉट चालू है? और ये मैडम कौन है? सर ये मैडम। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? सर मुझे यहाँ पर 9 बजे आने को कहा गया था, अगर मुझे पता होता कि शूट जल्दी शुरू होगा तो मैं जल्दी आ जाती। तुम हो कौन? है मैं कविता, मुझे इस एड के लिए मेन मॉडल सेलेक्ट किया है। तुम्हें? जी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, हमारी मॉडल कोई और है। गलत फहमी? नहीं, आज 29 फेब है और ये पॉपुलर स्टूडियो का फ्लोर नंबर 2 है, मुझे यहीं पर बुलाया गया था। आप कौन है? मैं इस एड फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और कुछ? नहीं नहीं, मैं कल किसी और डायरेक्टर से मिली थी जिन्होंने मुझे कास्ट किया था। सर आप इस स्ट्रगलर के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये लड़की यहाँ पर सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए फालतू का हंगामा कर रही है। ए लड़की, अपनी शक्ल देखी आईने में, जो मॉडल बनने के लिए आ गई हो, एक काम क्यों नहीं करती, किसी और फील्ड में ट्राई करो। आप मेरी बात सुनिए, आप लोग समझ नहीं रहे। आई सेड गो। आपको सिक्योरिटी? मुझे बुलाया? सिक्योरिटी सेलेक्ट किया है, ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं आप प्लीज मेरी बात तो सुन। लेके जाओ इनको प्लीज। गो। मैं आपको बताती हूँ, मुझे इसी एड के लिए बुलाया गया था, आज ही बोला था, अभी यही टाइम दिया था। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ सुमन जी, ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, एक स्ट्रगलर लड़की ने आके शूट बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं हर एरे गेरे को क्यों ऐसे लगता है कि वो भी मॉडल बन सकता है, आ जाते हैं मुंह उठा के। कौन है वो? मुझे वो What? ये हाँ। ये नहीं हो सकता, ये यहाँ कैसे आ सकती, ये नहीं हो सकता। सुमन जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप कुछ ही बोल देना, मेरा पैकअप बोल देना। What? तो
तुम शूट नहीं करोगे नेहा? ये नहीं हो सकता, नेहा गॉड, इसे शूट नहीं करना है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक्सक्यूज मी, मुझे अशोक जी से मिलना है अभी। कौन अशोक? आप रिसेप्शन पे बैठी हैं, आपको यही नहीं पता कौन अशोक जी? यहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर और कौन? जितना मैं यहाँ के बारे में जानती हूँ, यहाँ पे कोई अशोक नाम का आदमी नहीं है। कमाल है, कल मैं उनसे मिलके गई और आज आप कह रही हैं यहाँ कोई अशोक जी नहीं है। कल? मैंने तो कल आपको यहाँ नहीं देखा। मैंने भी कल आपको यहाँ नहीं देखा था, 2 बजे आई थी मैं। ओ, 2 बजे तो मैं लंच के लिए गई थी। तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? एक्सक्यूज मी। एनीवेज, मुझे पता है उनका कैबिन कहाँ है, मैं खुद ही उनसे मिल लूंगी। अरे ऐसे रुको। अरे अशोक जी, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है यहाँ पे? सॉरी रूपा मैम, ये लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई और बोल रही है कि ये ऑफिस किसी अशोक का है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। मैम, मेरा नाम कविता है, मैं कल इसी कैबिन में अशोक जी से मिली थी। कविता, आपसे अच्छा मॉडल हमें सेट के लिए मिल ही नहीं सकता। यू नो, यू आर द बेस्ट चॉइस। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना और कल 9 बजे सुबह पॉपुलर स्टूडियो फ्लोर नंबर 2 शूट पे पहुंच जाना। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। व्हाट? आई थिंक आपको गलतफहमी हुई है। मैम, अगर गलतफहमी हो, 1 मिनट। ये देखिए, अगर मुझे कोई गलत फहमी होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास कैसे होते? आप सब लोग मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को कोई मॉडल मिल गई है ना, जो मुझसे कम पैसों में काम कर रही है, और इसीलिए आप लोगों ने मुझे बिना इन्फॉर्म के रिप्लेस कर दिया है। ये पेपर तो हमारी कंपनी के है, तुम्हारे पास कैसे आए? ये पेपर तो बहुत पुराने हैं, इसमें डेट भी लिखी हुई है, 28 फरवरी 2008। याद आया मुझे, 4 साल पहले यहाँ पे अशोक नाम की क्रिएटिव डायरेक्टर काम करते थे। ये गलत फहमी है, अब ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। मैम, मैं यही उनसे कल मिली थी। कल? कविता, 2 साल पहले अशोक जी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। कविता, कल तुम बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हो, बहुत बड़ी, बिग सुपरस्टार, देख लेना। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम्हें पहला ब्रेक मैं देने वाला हूं। अब एक हीरे की परख एक जोरी को ही होती है ना। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है आपके इन कमेंट से मुझे कितनी हिम्मत मिली है। कल 29 फरवरी है और कल का शूट तुम्हारा और मेरा करियर कहां से कहां ले जाने वाला है, देख लेना। मैम ठीक है, अगर अशोक जी नहीं ना, तो फिर आप जय सर को फोन कर लीजिए, वो उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे सेलेक्ट किया था। तुम मशहूर डायरेक्टर वो जय के बारे में बात कर रही हो? जी, आप प्लीज उनको अभी फोन कीजिए, अभी के अभी सब क्लियर हो जाएगा। हेलो। हेलो जैसो, मैं मैजिक मीडिया वर्क की क्रिएटिव डायरेक्टर रूपा बोल रही हूँ। या रूपा, बोलिए। सर, यहाँ पे एक लड़की आई, उसका नाम कविता है, उसका कहना है कि आपने उसे एज अ मॉडल साइन किया आज की शूट के लिए। दीजिए, मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। हेलो जैसर, मैं कविता बोल रही हूँ, आपको याद है ना, आपने मुझे सेलेक्ट किया था आज के शूट के लिए। कविता? इस इंडस्ट्री में कविता नाम की कितनी लड़की होंगी। आपने सब प्रॉमिस किया था ना मुझे कि आज के बाद मेरा करियर बदल जाएगा। अरे ये सिर्फ तुमको नहीं, हर किसी को लगता है कि मैं जिसके साथ शूट करूंगा उसका करियर बदल जाएगा। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फोन रखो। हेलो। हेलो कविता। बेटा शूट कैसे चल रहा है?
मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, आज बहुत ही बुरा दिन है, मेरे साथ यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। लेकिन बेटा बता तो हुआ क्या? मम्मी उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को ले लिया है और अब वो मुझे पहचानने तक को मना कर रहे हैं। मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है। बेटा तू चुप हो जा। मैं चुटकी को बोलती हूँ तुझे फोन करे, वो जरूर तेरी हेल्प कर पाएगी। मम्मी चुटकी मेरी हेल्प कैसे करेगी? बेटा तू भोली है और चुटकी के पास हर एक सवाल का जवाब रहता है, तुझे मालूम है ना? वो तुझे फोन करेगी और तेरी मदद करेगी, समझी? क्या हुआ नेहा, तुम इतने घबराए क्यों हो? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ तो लो ना। छोड़ दो उसे। चुटकी फोन उठा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। सुन चुटकी का फोन नहीं लग रहा है, शायद वो बिजी होगी या उसने साइलेंट पे रखा होगा। मम्मी अब ना एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं, नीरू दादा। मैं उनसे जाकर मिलती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो मेरी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा, तू जाके वीरू दादा से मिल ले। ठीक है। वीरू दादा, वीरू दादा, आ कविता, मैं यहां अंदर हूं, आजा अंदर आजा। दादा तू यहां क्या कर रही है? तेरा तो आज लाइफ का पहला शूट है ना? दादा आपने मुझे इतनी मुश्किल से वो शूट दिलवाया था और उन लोगों ने मेरी जगह वहां किसी और को ले लिया है। जो लोग कल तक मुझे इंडस्ट्री का नया स्टार कह रहे थे वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, ऐसा कर जल्दी से तैयार होकर पॉपुलर स्टूडियो पहुंच। मैं देखता हूं तेरा शूट होने से कौन रोकता है। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि 29 फरवरी का शूट तू करेगी और मैं अपना वादा निभाऊंगा। पर वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दे, जब तक तू तैयार होकर स्टूडियो पहुंचेगी मैं सब ठीक कर दूंगा। सच? मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसीलिए मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि आप मेरे गुरु हो। अब तू जा शूटिंग की तैयारी कर, गुड लक। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम शेड्यूल चेक कर रहा हूँ। शूटिंग कैंसिल हुआ ना? जी मैम। हाँ तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ और लोकेशन के बारे में पता करो, मुझे 2 दिन में एनी हाउ शूट कंप्लीट करना है, जाओ यहाँ से। ओके मैम। शेड्यूल चेक कर रहा है बेवकूफ। शूटिंग क्यों नहीं हो रही है? आज शूटिंग कैंसिल हुई, कल आना। आज शूटिंग हर हालत में होगी। मैंने कहा ना आज शूटिंग नहीं। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? आज शूटिंग होनी चाहिए। कौन है?
पूछा कौन है यहाँ? ये क्या हो रहा है? रूपा बोलो अब क्या है? नेहा सारा इंतजाम हो जाएगा, अब तुम्हें शूट पर आना चाहिए। लेकिन रूपा, नेहा आज शूट होना ही है, आ जाओ ना। ठीक है मैं आती हूँ। थैंक यू नेहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चेक कर लेना। आइए आइए आइए, वेलकम। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं, एक्चुअली मेरे सुबह वाले उस बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे रूपा ने कॉल करके बताया था कि वो अचानक से सुबह वाली मॉडल का बैकआउट कर जाना और लास्ट मोमेंट पे आपका हमारी एड को एक्सेप्ट करना, थैंक यू सो मच। ये सारा यूनिट आप ही का बस वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच। अरे वो नेहा भी आ गई। छुटकी तू आ गई। सॉरी तुझे पसंद नहीं है ना कि कहीं बाहर तुझे छुटकी बोलूं? नेहा आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला एड शूट हो रहा है और तू आई है यहाँ पर। लेकिन तू बहुत बड़ी सी लग रही है। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर लग रही है। कुछ बोल तो मैं ही बोलती जा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे आ गई? It's just not possible. मेरा एड शूट है, तू खुश नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मर चुकी हो।
आज ही के दिन 4 साल पहले 29 फेब तुम मर गई थी। यू आर डेड। नेहा ये कैसा मजाक कर रही है? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? Shut up! तुम मर चुकी हो। 4 साल पहले इसी स्टूडियो में तुम्हारी और वीरू दादा की दोनों की डेथ हुई थी। नेहा ये कैसे बात कर रही है? अभी मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, घर में मम्मी से मिल के आई हूँ, मासी ने मुझे दही शक्कर खिलाया था, अभी मेरी फोन पे बात हुई, तुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलती चली जा रही है। बंद करो अपनी मासी और मम्मी, वो भी तो उसी दिन मर गई थी। हेलो पापा, कविता दीदी की डेथ हो गई है। क्या कविता? मैं नहीं मानती, तू झूठ बोल रही है। तू ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है ना, ताकि आज मेरा एड शूट खराब हो जाए। मुझे पता है, हमेशा की तरह तुम यही चाहती हो ना, आज भी मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो। Shut up, just shut up, okay? कविता, तुम मर चुकी हो, समझी? तुम मर चुकी हो। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं, जिंदा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ तुम मर चुकी हो तो तुम मर चुकी हो। बस करो नेहा, क्या हो गया? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, ये सब कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा है। ये हो कैसे सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद मारा है। मासी जी, झूमर का बटन रेडी। ग्रीन बटन दबाते हुए नीचे आ जाएगा झूमर। चलो तुम लोग ऊपर ले लो। थैंक यू सो मच यार। ये लड़की कविता एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। इसमें इतना टैलेंट है कि कोई इसे फेमस होने से रोक ही नहीं सकता। ये सब ठीक है ना? यस कविता, रेडी? या तुम हमेशा मेरे से आगे कैसे निकल जाती हो कविता? Please, dragon!
दीदी सॉरी दीदी सॉरी दीदी दीदी मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी मुझसे गलती हो गई प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी दीदी प्लीज आई एम सॉरी प्लीज दीदी प्लीज मुझे